इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें टोक्यो के अंदर एक बहुत बड़े प्राइवेट एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जो हर फील्ड में टॉप पर आता है और इस स्कूल से काफी बड़े बड़े लोग ग्रेजुएट हुए हैं। आगे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि उस एकेडमी के गेट के सामने खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि वो इतने बड़े शानदार स्कूल के अंदर सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत के बल पर एडमिशन मिला था। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इस स्कूल में आना उसकी किस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मती साबित होने वाली थी। वैसे इस लड़के का नाम मकोतो नेगी था। इसके बाद मकोतो जैसे ही स्कूल के अंदर पैर रखता है उसे चक्कर आने लगते हैं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक खाली रूम के अंदर पाता है और वो रूम हैवी स्टील प्लेट से कवर थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। तभी उसे वहाँ पर एक पेपर रखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि स्कूल में तुम्हारा स्वागत है, अब यहाँ से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी, और उसे उसके स्कूल के जिम में पहुँचने के लिए बोला गया था। आगे जब वो जिम का डोर खोलता है तो उसके सामने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उसे वहाँ पर देखकर काफी सारे स्टूडेंट उससे सवाल करने लगते हैं और उनमें से एक लड़का नेगी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें और जल्दी टाइम पर आना चाहिए था, जिस पर एक लड़की उससे कहती है कि हमें पता भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो लेट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमें पता चलता है कि ये सारे स्टूडेंट्स भी एक रूम के अंदर बेहोश थे और जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें भी जिम में आने को बोला गया था और वहाँ पर नेगी को मिलाकर टोटल 15 स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे। आगे एक लड़की नेगी के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं। नेगी भी उसे देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो एक आइडल होती है और उसका नाम मायो जोनो था। आगे नेगी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जितनी पॉपुलर लड़की मुझे याद रखेगी, जिस पर मायो जोनो कहती है कि ऐसी बात नहीं है और तुम मुझे अच्छी तरह से याद हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। उसकी बातें सुनकर जब सब अपना फोन चेक करते हैं तो सबके फोन उनके पॉकेट से गायब थे। इसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम लोग इतना टेंशन मत लो क्योंकि ये सब सिर्फ स्कूल का वेलकम सेरेमनी के लिए है। पर तभी वहाँ एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है और माइक से किसी के बोलने की आवाज आती है जो कहता है कि अभी मैं तुम्हारा वेलकम सेरेमनी शुरू करूंगा। और तभी स्टेज के ऊपर एक डॉल आ जाता है जो कहता है कि मैं कोई डॉल नहीं हूँ, मेरा नाम मोनोकुमा है और मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आगे वो डॉल मोनोकुमा कहता है कि तुम सब बच्चे हमारे देश के भविष्य हो, लेकिन तुम्हारे लिए दुख की बात है कि तुम अब अपनी सारी जिंदगी यहीं पर गुजारने वाले हो। ये सुनकर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। आगे मोनोकुमा कहता है कि तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन फिर भी अगर तुम में से कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे किसी एक स्टूडेंट को मारना होगा और सिर्फ उसे ही बाहर जाने की परमिशन होगी जिसने मर्डर किया है। अब ये सुनकर फिर से कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे ये बकवास जल्दी से बंद करने के लिए कहते हैं। मोनोकुमा कहता है कि अब से ये तुम्हारा घर है तो जितना चाहे उतने लोगों को मार सकते हो। तभी एक लड़का मोनोकुमा के सामने आ जाता और उसे पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिस पर मोनोकुमा कहता है कि इस स्कूल में प्रिंसिपल के ऊपर हाथ उठाना मना है। और तभी मोनोकुमा के अंदर से बीप की आवाज आने लगती है जिस पर वो लड़की उसे फेंक देने को कहती है और जब वो लड़का मोनोकुमा को फेंकता है तो वो ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी पीछे से एक और मोनोकुमा निकलकर कहता है कि इस बार मैं सिर्फ तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, अगली बार मुझे हाथ लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर चुके थे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट बाहर जाने के लिए डोर तोड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर वहां पर उन्हें एक डिवाइस भी मिलता है जिसमें सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी। तभी एक लड़का वहां से जाने लगता है और कहता है कि सबके साथ रहना खतरनाक है क्योंकि हो सकता है कि कोई अभी सच में मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा हो, जिस पर एक दूसरा लड़का जाकर उसका रास्ता रोक लेता और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो नेगी उनके बीच में जाकर उन्हें फाइट करने से मना करता है, जिस पर वो दूसरा लड़का उसे एक पंच मारता और नेगी बेहोश हो जाता है। और फिर जब नेगी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम के अंदर पाता है और उसके साइड में एक तरफ मायो जोनो होती है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाता है। मायो जोनो उससे कहती है कि सबको अपना अपना रूम मिला है और ये तुम्हारा रूम है। फिर नेगी उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं, जिस पर मायो जोनो कहती है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद सब अलग अलग स्कूल की रिसर्च कर रहे हैं, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हारे साथ रही। ये सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील करता और उसे थैंक यू कहता है। आगे नेगी और मायो जोनो रूम से बाहर निकलकर सबके पास जाते हैं। इसके बाद सब वहां पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और कहते हैं कि स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट है पर उसे तोड़ना नामुमकिन है। एक जगह पर सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स भी है पर वो जगह बंद थी, इसलिए वहां पर भी जाना नामुमकिन है। रेफ्रिजरेटर में खाना एकदम फुल है और खाने की दिक्कत नहीं आने वाली, इसका मतलब हम अब यहाँ पर बंदी बनकर रह गए हैं और कभी बाहर नहीं जा सकते।
तभी वहाँ पर एक लड़का कहता है कि मोनोकुमा ने पहले ही बताया था, अगर किसी को बाहर जाना है तो उसे किसी का मर्डर करना होगा। इसके बाद एक लड़की कहती है कि ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए सिचुएशन के साथ रहना होगा और हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। इसीलिए मैं सबको एक सजेशन देना चाहूंगी, क्यों ना हम खुद एक रूल बनाए और रात में बाहर निकलने पर रोक लगा दे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर रात हमें डर में रहना होगा, क्योंकि कोई भी आकर हमें मार सकता है। इसके बाद वहाँ पर 2 दिन उन्हें बीत जाते हैं, पर उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। तो वहाँ पर एक लड़की कहती है कि मुझे यकीन है कि हम 3 दिन से लापता हैं, तो पुलिस हमें ढूंढने की कोशिश जरूर कर रही होगी। और तभी वहाँ पर मोनोकुमा आ जाता है, जो हंसते हुए कहता है कि पुलिस के भरोसे रहना छोड़ दो, और अगर तुम्हें बाहर निकलने की इतनी जल्दी है तो जल्दी से किसी एक का मर्डर कर दो। तो नेगी उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन हम कभी एक दूसरे को नहीं मारने वाले। जिस पर मोनोकुमा कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोगों को मर्डर करने के लिए एक वजह चाहिए, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए मल्टीमीडिया रूम में कुछ तैयार किया है। आगे जब सब मल्टीमीडिया रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक डेस्क मिलता है, और नेगी जब अपना डेस्क प्ले करता है तो वो अपनी फैमिली को बात करते हुए देखता है, जो कि उसके इतने बड़े स्कूल के सिलेक्शन हो जाने पर बहुत खुश थे। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी फैमिली का कोई पता नहीं था। ये देखकर नेगी बहुत ज्यादा डर जाता है, पर तभी उसकी नज़र मायो जोनो पर पड़ती है, जो कि अपना वीडियो देखकर कांप रही थी, और फिर उस रूम से वो डरकर भाग जाती है। नेगी उसके पीछे जाकर उसे रोक लेता है और कहता है कि हम सब मिलकर किसी तरह यहाँ से जरूर निकल जाएंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब इतना सुनकर मायो जोनो रोने लगती है, और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट के अंदर खौफ जाग गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नेगी अपने रूम के अंदर होता है, और वो देखता है कि उसके बाथरूम के डोर पर एक पेपर पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी स्टूडेंट्स के रूम में एक बाथरूम है, लेकिन उसमें रात के टाइम पर पानी नहीं आता और सिर्फ गर्ल्स के बाथरूम को ही लॉक किया जा सकता है। आगे नेगी देखता है कि उसके रूम में हर तरफ वेपन्स पड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे को मारने के लिए दिए गए थे। इसके बाद जब वो शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसका डोर ही ओपन नहीं हो रहा था, और तभी पीछे से मोनोकुमा आ जाता है, जिसे देखकर नेगी चौंक जाता है। मोनोकुमा उससे कहता है कि तुम्हें अपना रूम अंदर से लॉक करके रखना चाहिए। फिर नेगी उससे यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर मोनोकुमा कहता है कि तुम्हारे बाथरूम का डोर सही से फिट नहीं है, इसीलिए तुम्हें डोर को थोड़ा ऊपर उठाकर खोलना होगा, और इतना बताकर मोनोकुमा वहाँ से चला जाता है। तभी नेगी को दोबारा से डोर बेल की आवाज आती है, और जब वो डोर खोलता है तो सामने मायो जोनो होती है। नेगी उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरे रूम के दरवाजे के बाहर से ऐसी आवाजें आती है जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। नेगी उससे कहता है कि हो सकता है वो मोनोकुमा हो, जिस पर वो कहती है कि जब मैं डोर खोलकर देखती हूँ तो सामने कोई भी नहीं होता, और इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। पर नेगी उससे कहता है कि रात के टाइम में कोई अपने रूम से बाहर निकलने के लिए अलाउड नहीं है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। जिस पर मायो जोनो कहती है कि लेकिन ये रूल सिर्फ हमने बनाया है, तो कोई भी इसे तोड़ सकता है। तो नेगी कहता है कि तुम आज रात मेरे रूम में रुक जाओ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। इस पर मायो जोनो उससे पूछती है कि ठीक है, तो क्या तुम आज रात मेरे रूम में सो जाओगे, और नेगी भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद नेगी मायो जोनो के रूम में आकर सो जाता है। अगली सुबह वो उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बाकी सबके पास जाता है, और एक एक करके वहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं, लेकिन अब भी वहाँ पर मायो जोनो और टोगामी नाम का लड़का नहीं आया था। पर तभी टोगामी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन मायो जोनो अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर नेगी काफी घबरा जाता है, और वो भागकर अपने रूम में चेक करने जाता है, और वो देखता है कि उसके रूम का डोर लॉक नहीं था। फिर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि पूरे रूम में हर तरफ निशान थे और सारी चीजें बिखरी हुई थी, और आगे जब वो अपने बाथरूम को खोलता है तो वहां पर मायो जोनो की लाश पड़ी थी। ये देखकर नेगी बहुत जोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जिम के अंदर होता है, और वहां पर वो उठते ही मायो जोनो के बारे में पूछता है, जिस पर टोगामी कहता है कि वो मर चुकी है। ये सुनकर नेगी उसी वक्त वहां से जाने की कोशिश करता है, पर टोगामी उससे कहता है कि हमने कंफर्म कर लिया है, वो मर चुकी है। जिस पर वो कहता है कि फिर तुम लोग यहाँ पर जिम में क्या कर रहे हो, जिस पर एक लड़की उससे कहती है कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है, मोनोकुमा ने हमें यहाँ पर रुकने को बोला है। फिर नेगी कहता है कि मोनोकुमा ने मायो जोनो को मार दिया, पर तभी मोनोकुमा पीछे से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं कभी अपना मजा खराब नहीं करूंगा, और मायो जोनो को तुम में से ही किसी एक ने मारा है। ये सुनके सब हैरान हो जाते हैं, तो मोनोकुमा कहता है कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम में से किसी एक ने यहाँ से निकलने के लिए उसे मार दिया। ये सुनकर सब आपस में एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, तो टोगामी कहता है आपस में फाइट करना बंद करो, और अगर किसी ने मायो जोनो को सच में मारा होगा तो वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। जिस पर मोनोकुमा हंसने लगता और कहता है कि अभी मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के रूल्स बताता हूँ, तुम्हें किसी को भी ये पता नहीं चलने देना है कि तुमने मर्डर किया है,
और मर्डर के थोड़े टाइम बाद एक क्लास ट्रायल होगा। उसके अंदर तुम्हें असली मर्डरर को ढूंढना होगा। अगर तुमने सही गेस कर लिया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर तुम्हारा अंदाजा गलत हुआ तो सभी इनोसेंट स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलेगी। फिर जब एक स्टूडेंट पनिशमेंट के बारे में पूछता है तो मोनोकुमा कहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक मिल सकता है, जहरीली गैस में छोड़ दिया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अगर तुमने गलत गेस किया तो सब मारे जाओगे। तभी एक लड़की कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस क्लास ट्रेल में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, जिस पर मोनोकुमा उसके सामने जाकर कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि यही यहाँ के रूल्स हैं। और तभी वो लड़की मोनोकुमा को अपने पैरों से कुचल देती है, जिस पर मोनोकुमा कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल पर हमला करना रूल्स के खिलाफ है। और तभी उस लड़की के पूरे बॉडी में रॉड्स घुस जाते हैं जिससे वो वहीं पर मारी जाती है, और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। आगे एक लड़की सबको आगे बढ़कर असली मुजरिम को पकड़ने को कहती है, और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके डिवाइस में अभी मायोजोनो की डेथ की इन्फॉर्मेशन आ गई थी, और उसमें मायोजोनो की डेथ नेगी के रूम में देखकर सभी नेगी पर शक करने लगते हैं। तो नेगी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि पिछली रात उसने मायोजोनो के साथ रूम्स बदले थे, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और अब सभी उसे असली मुजरिम समझने लगते हैं। टोगामी उससे कहता है कि अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो इसके लिए सबूत दिखाओ, और फिर सब वहां से चले जाते हैं। आगे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और पता चलता है कि मायोजोनो की डेथ लगभग 1:30 बजे के आसपास हुई थी, और वहां दीवार पर एक नंबर भी लिखा हुआ था। आगे नेगी को मायोजोनो का डेस्क मिलता है, तो जब वो उसे प्ले करता है तो वहां मायोजोनो के आइडल ग्रुप का परफॉर्मेंस हो रहा था, पर तभी अचानक से उसके ग्रुप के बाकी सभी आइडल्स नीचे गिर जाते हैं और वहां पर मोनोकुमा की आवाज आती है कि ये लड़कियां आप कभी आइडल्स नहीं बन पाएंगी, इसीलिए मायोजोनो के पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये देख कर नेगी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि शायद मोनोकुमा ने उन लड़कियों को भी मार डाला हो। और तभी अचानक से वहाँ एक सायरन बजता और मोनोकुमा कहता है कि मैं अब वेट करते करते थक गया हूँ, इसीलिए चलो अभी क्लास ट्रायल शुरू करते हैं। इसके बाद जब नेगी सबके पास जाता है तो सब उसे शक की नजरों से देख रहे थे, और तभी एक लड़की वहाँ पर कहती है कि क्या तुम इतना लेट इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें अपने मर्डर का सबके सामने आने का डर था, जिस पर एक लड़का उसे अभी से किसी नतीजे पर आने के लिए मना करता है और क्लास ट्रेल के स्टार्ट होने तक का वेट करने को कहता है। तो एक और लड़का उससे कहता है कि वेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि मायोजोनो को उसने ही मारा है। नेगी ये सुनकर सोचता है कि सिर्फ मुझे और मायोजोनो को ही पता था कि मैं इनोसेंट हूँ। तभी उस रूम का गेट खुलता और मोनोकुमा उन्हें कोर्ट रूम में आने को कहता है। वहीं एक लड़की नेगी से कहती है कि तुम्हें इस हादसे की जड़ तक जाना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर असली मर्डरर कौन है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो।